तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें, जिससे कि मेरी हर वीडियो को सबसे पहले आप देख पाएं। हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग जानेंगे टॉप 10 रेलवे स्टेशन जो भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण 10 रेलवे स्टेशन हैं। इनके बारे में जानकर दोस्तों आप भी कुछ हैरान रह जाएंगे कि क्या भारत में ऐसे भी रेलवे स्टेशन हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। मैं हूं अनमोल और चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो नंबर 10 पर आता है हमारा सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। दोस्तों, यह तेलंगाना राज्य में केंद्र हैदराबाद में स्थित है। प्लेटफॉर्म, इसमें 10 प्लेटफॉर्म दोस्तों, 11 ट्रैक। यह स्टेशन साउथ में आता है। यहाँ से डेली 229 ट्रेनें यहाँ से यात्रा करती हैं। यहाँ से 170,000 यात्री अपने सफ़र को डेली कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों, यह रहा भारत का 10वां सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। अब चलते हैं रेलवे स्टेशन पर 9 के नंबर पे। तो 9 नंबर पर आता है हमारा पटना का रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों, ये पटना का रेलवे स्टेशन बिहार में है। अगर इसके प्लेटफॉर्म्स हम देखें तो दोस्तों, इसमें 10 प्लेटफॉर्म और 15 ट्रैक्स उपलब्ध हैं। सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन, यहाँ से लगभग डेली 3 लाख यात्री अपने सफ़र को पूरा करते हैं। और यह स्टेशन कई बड़े बड़े स्टेशनों को भी जोड़ता है, जैसे कोलकाता, मुंबई और दिल्ली। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं नंबर 8 की तरफ। तो हमारे नंबर 8 पर आता है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन गुजरात राज्य में स्थित है। और यह स्टेशन गुजरात राज्य में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन और सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में इसकी गिनती करी जाती है। और यह रेलवे स्टेशन वेस्टर्न रेलवे स्टेशन का सबसे ज़्यादा पैसा पैदा करने वाला सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। और दोस्तों, अगर हम लोग बात करें इसके प्लेटफॉर्म की, तो इस स्टेशन पर हमको 12 प्लेटफॉर्म और 16 ट्रैक्स मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं नंबर 7 की तरफ। तो नंबर 7 पर आता है हमारा कानपुर सेंट्रल। दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश में स्थित रेलवे स्टेशन है। दोस्तों, यह रेलवे स्टेशन ट्रेनों के मामले में सबसे बेस्ट भारत का रेलवे स्टेशन है। दोस्तों, अगर इसमें प्लेटफॉर्म की देखा जाए तो दोस्तों, इसमें 9 प्लेटफॉर्म हमको और 49 ट्रैक मिलते हैं, जो दोस्तों 49 ट्रैक काफ़ी ट्रेन के यात्रा में बहुत ही सहायक है। यह उत्तर मध्य रेलवे का सबसे बड़ा व्यस्त रेलवे स्टेशन है और यहाँ से लगभग डेली 7.5 लाख यात्री सफ़र को अपने पूरा करते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं नंबर 6 की तरफ। तो सब नंबर 6 पर आता है हमारा लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन। दोस्तों, लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, 23 अप्रैल 1867 कानपुर सेक्शन यातायात के लिए खोला गया था। प्लेटफॉर्म 13 है इसमें। दोस्तों, अंडर कंस्ट्रक्शन होने के कारण 4 प्लेटफॉर्म अभी काम नहीं करते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे 26 ट्रैक्स हैं। नंबर 5 पर आता है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। दोस्तों, ये भारत के कुछ मुख्य रेलवे स्टेशनों में अपनी गिनती को टॉप पर रखता है। यह नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन अजमेरी गेट के पास में है दोस्तों। और दोस्तों, इस रेलवे स्टेशन को ब्रिटिश के हुक्माने में बनाया गया था। यहाँ से लगभग डेली दोस्तों 400 ट्रेनें शुरू होकर अपनी यात्रा को ख़त्म करती हैं। यहाँ पे दोस्तों 16 प्लेटफॉर्म और 18 ट्रैक्स हैं। और दोस्तों, यहाँ से लगभग डेली 5 लाख यात्री लोग अपने सफ़र को पूरा करते हैं। दोस्तों, नंबर 4 की तरफ चलते हैं। नंबर 4 पर आता है हमारा चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। दोस्तों, यहाँ की इमारत जो है वो दोस्तों 124 वर्ष पुरानी है। और यहाँ पे दोस्तों 17 प्लेटफॉर्म और 30 ट्रैक्स हैं। यहाँ से लगभग डेली दोस्तों 3.5 लाख लोगों अपने सफ़र को पूरा करते हैं। दोस्तों, ये 4 नंबर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। अब दोस्तों चलते हैं नंबर 3 की तरफ। तो नंबर 3 पर आता है हमारा मुंबई CST। दोस्तों, इसका पूरा नाम तिरुपति शिवाजी टर्मिनल है। इस प्लेटफॉर्म को दोस्तों पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन यहाँ इसको यह स्टेशन CST के नाम से सबसे ज़्यादा फेमस है। यह बहुत ही एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन पे दोस्तों लगभग 18 प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, चलते हैं नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 पर आता है हमारा सियालदह रेलवे स्टेशन। दोस्तों, यह कोलकाता में वेस्ट बंगाल में राज्य में स्थित है। दोस्तों, 1862 ईस्वी में इस स्टेशन का निर्माण किया गया था। और दोस्तों, ये बहुत ही मुख्य लाइनों को भी जोड़ता है। नंबर 1 पर दोस्तों आता है हमारा हावड़ा रेलवे स्टेशन। दोस्तों, यह हावड़ा रेलवे स्टेशन कोलकाता के वेस्ट बंगाल में स्थित है। यह हुगली नदी के दोस्तों पश्चिम तट पर स्थित है। दोस्तों, इसमें 23 प्लेटफॉर्म और 25
ट्रैक्स दोस्तों उपलब्ध हैं। यहाँ से 1 से लेकर 16 तक प्लेटफॉर्म को दोस्तों टर्मिनल 1 के नाम से कहा जाता है और दोस्तों 17 से लेकर 23 प्लेटफॉर्म तक को टर्मिनल 2 के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ से लगभग रोज़ 620 ट्रेनें अपनी आवाजाही को पूरा करती हैं और यहाँ यह भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक के काले बटन को नीला कर दीजिए और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए हमेशा इस तरीके की लेटेस्ट वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ और दोस्तों बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जो सब्सक्राइब किया गया है उसको बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।